हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फायर एंड सेफ्टी ट्यूटोरियल पर। आज हम पढ़ेंगे इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर के बारे में। तो इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर IS 949 2012 को फॉलो करता है। ठीक है दोस्तों, तो हम जितनी भी बातें इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर के बारे में करेंगे वो IS 949 2012 के हिसाब से ही करेंगे। तो जो इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर का सबसे पहला जो पॉइंट है वो है रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट में जो आता है वो होता है कि जो इसकी रोड स्पीड, तो जो इसकी रोड स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जो इसकी स्टार्टिंग स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 64 किलोमीटर पर आवर। तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, स्टैंडिंग स्टार्ट स्पीड 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, विथ हेल्प ऑफ गियर। दोस्तों इसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है वो आता है डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन। तो दोस्तों डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में जो सबसे पहले जो चीज आती है वो आती है वेट। तो दोस्तों जो वेट होता है इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर का वो होता है 16,000 kg फॉर स्मॉल टेंडर और 25,000 kg फॉर लार्ज टेंडर। ठीक है दोस्तों, इंटरव्यू में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर इमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर है आपका तो उसकी रोड स्पीड कितनी होती है। तो दोस्तों उसकी रोड स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर होती है और जो उसकी स्टैंडिंग स्टार्ट स्पीड होती है वो 64 किलोमीटर पर आवर होती है। उसके बाद में दोस्तों वेट, तो वेट जो स्मॉल टेंडर होता है उसका 16,000 किलो होता है और जो लार्ज होता है मतलब जो बड़ा होता है वो 25,000 किलो होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है दोस्तों चेसिस। मतलब चेसिस बोले तो जो हमारे व्हीकल की बॉडी जिसपे पूरा वे करती है, और बोले तो बेस, जो हम उसका बेस बोल सकते हैं व्हीकल का। तो यहाँ पे आएगा अब चेसिस। तो चेसिस दोस्तों सबसे पहले तो नेम्स ऑफ पार्ट, इधर नेम्स आ जाएंगे और यहाँ पर पूरा स्मॉल टेंडर के लिए और यहाँ पर लार्ज टेंडर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो सबसे पहला जो है हमारा वो है व्हील बेस। तो स्मॉल टेंडर के लिए व्हील बेस नॉट मोर देन 4.50 मीटर, इसमें 4.50 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और वहीं लार्ज के लिए नॉट मोर देन 5 मीटर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो सेकंड पॉइंट हमारा आता है वो होता है
टर्निंग सर्कल, तो जो टर्निंग सर्कल होता है और नॉट मोर देन 20 मीटर, और जो हमारा लार्ज टेंडर होता है उसके लिए भी 20 मीटर होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है जो अगला पॉइंट है थर्ड, ओवरऑल विड्थ। तो दोस्तों ओवरऑल विड्थ 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और लास्ट टेंडर के लिए भी सेम है 2.5 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है रोड क्लियरेंस। दोस्तों जो रोड क्लियरेंस होता है वो 0.23 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो बड़ा टेंडर होता है उसके लिए भी सेम है। दोस्तों उसके बाद में जो आखिरी हमारा है वो है हाइट। तो दोस्तों इसकी जो हाइट होनी चाहिए नॉट मोर देन 3.60 मीटर, 3.60 मीटर से ज़्यादा नहीं आना चाहिए फ्रॉम ग्राउंड लेवल और नॉट मोर देन 3.60 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल। दोनों का सिर्फ दोनों में डिफरेंस इतना है कि जो इनका व्हील बेस रहता है उसमें डिफरेंस रहता है, बाकी चारों चीज़ें सेम रहती है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, व्हील बेस होता है 4.50 मीटर का से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लास्ट एंटर के लिए 5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टर्निंग सर्कल 20 मीटर और 20 मीटर, मतलब दोनों टेंडर का टर्निंग सर्कल सेम होता है कि 20 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओवरऑल विड्थ स्मॉल टेंडर की 2.5 मीटर होती है और लास्ट टेंडर की 2.5 मीटर दोनों की सेम, रोड क्लियरेंस 0.23 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और सेम ही सेम लार्ज टेंडर के लिए भी यही होता है, हाइट 3.60 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ग्राउंड लेवल से, वैसे वैसा सेम लार्ज टेंडर के लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट है इंजन, तो इंजन सबसे पहले 6 सिलेंडर होना चाहिए, 6 सिलेंडर्स वाला होना चाहिए विथ QICK क्विक स्टार्टिंग, विथ क्विक स्टार्टिंग सिस्टम के साथ होना चाहिए। फिर इंजन में ये दो पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और यही मैंने इस वीडियो में लिए हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है फ्यूल टैंक, तो इसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी जो होती है वो होती है 140 लीटर फॉर स्मॉल टेंडर और 250 लीटर फॉर लार्ज टेंडर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में फ्यूल टैंक के बाद में दोस्तों हम लेंगे इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल सर्किट। दोस्तों इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है वो उसमें सबसे पहले तो एक हैवी ड्यूटी अल्टरनेटर लिख जनरेटर फिटेड और का जो टू सप्लाई 12 वोल्ट और 24 वोल्ट डीसी। ठीक है दोस्तों, अलग से डीसी करंट इतना सप्लाई होना चाहिए। उसके बाद में जो इसका अगला पॉइंट है वो है ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट्स है सेपरेट फ्यूजेस एंड ग्रुप्ड इन एंड ग्रुप्ड इन फ्यूज बॉक्स। और ये फ्यूज बॉक्स में एक ग्रुप्ड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अल्टरनेटर दोस्तों अल्टरनेटर यूनिट की जो क्या क्या उसमें होना चाहिए, तो सबसे पहले 230 वॉट 50 साइकिल अल्टरनेटर प्रोवाइड कराना होता है। ठीक है, उसके बाद में जो अल्टरनेटर होता है अल्टरनेटर शुड बी स्क्रीन प्रोटेक्टर, इसमें स्क्रीन प्रोटेक्टर होना चाहिए। कंटीन्यूअसली रेटेड सेल्फ रेगुलेटिंग और सेल्फ एक्साइटेड होना चाहिए और क्लास ई इंसुलेशन टाइप की सारी वायरिंग होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो इसका आउटपुट होता है वो आउटपुट आउटपुट नॉट लेस देन 24 किलो वॉट। ठीक है दोस्तों, सॉरी 24 नहीं 25 किलो वोट का इसका जो आउटपुट होता है 25 किलो वोट एम्पियर से लेस देन नहीं होना चाहिए। और ठीक है, उसके बाद में जो इसके कंट्रोल्स है, जो कंट्रोल जो हमको प्रोवाइड कराने हैं उसके लिए कंट्रोल शैल बी माउंटेड नियर द जनरेटर शुड बी
तो इसमें जो सबसे पहला जो होता है वो होता है थ्री थ्री सॉकेट एंड स्विचेस विथ थ्री फेस कनेक्शन। कनेक्शन ठीक है। उसके बाद में जो बी है वो है फोर सॉकेट एंड स्विचेस विथ वन फेस कनेक्शन विथ मिनिमम 20 एम्पियर कैपेसिटी। इसके विथ मिनिमम जो उसकी टेम्परेचर मिनिमम जो उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए वो 20 एम्पियर होनी चाहिए। उसके बाद में जो होता है फोर सॉकेट एंड स्विचेस विथ वन फेस, और इसको वन फेस बोलो या सिंगल फेस बोलो बात एक ही है। तुम्हें एक सिंगल फेस लिख देता हूँ, सिंगल फेस ठीक है, ये भी सिंगल फेस कनेक्शन विथ मिनिमम 10 एम्पियर कैपेसिटी ठीक है दोस्तों। और जो अगला होता है वो होता है आरपीएम मीटर डिजिटल एक, और फिर किलोवाट मीटर एक, एम्पियर एम्पियर मीटर होना चाहिए, एम्पियर मीटर फ्रीक्वेंसी मीटर किलोवाट मीटर एक होना चाहिए, एम्पियर मीटर हर एक सेपरेट मतलब बोले तो सेपरेट फॉर ईच हर फेस के लिए एक एम्पियर मीटर अलग अलग होना चाहिए ठीक। उसके बाद में एक फ्रीक्वेंसी मीटर ठीक है, ये नंबर थ्री फ्रीक्वेंसी। उसके बाद में ये वन होना चाहिए, पीएच 32 एम्पियर टीपी एंड एमसीबी ये भी वन होनी चाहिए ठीक है। उसके बाद में हैंड कंट्रोल थ्रोटल होना चाहिए, और जो आखिरी है इंजन कूलिंग टेम्परेचर
गेज। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये इतने पॉइंट्स कवर होने चाहिए कि उसकी कंट्रोल यूनिट में क्या क्या होना चाहिए। तो 3 सॉकेट्स विद स्विच 3 फेज कनेक्शन के साथ, 4 सॉकेट और स्विच विद सिंगल फेज कनेक्शन 20 एम्पियर की कैपेसिटी वाला, और 4 सॉकेट स्विच 10 एम्पियर कैपेसिटी वाला, आरपीएम मीटर डिजिटल, ठीक है, एक होना चाहिए किलोवाट मीटर वन, एक होना चाहिए एम्पियर मीटर, हर एक फेज के लिए अलग होना चाहिए, तीन तीन। उसके बाद में तीन उसके बाद में फ्रीक्वेंसी मीटर एक होना चाहिए, 32 एम्पियर टीपीएन एमसीपी वन होना चाहिए, हैंड कंट्रोल थ्रोटल एक होना चाहिए, उसके बाद में एक इंजन कूलिंग वाटर टेम्परेचर गेज होना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद में जो हमारा अगला पॉइंट है, उसके बाद में बॉडी वर्क में जो सबसे पहला होता है सिक्स परसेंट सिक्स परसेंट एक 6% वाला कैबिन होना चाहिए, ठीक है, इन 6% वाला कैबिन होना चाहिए इंक्लूडिंग। इंक्लूडिंग ड्राइवर इन चार्ज ऑफ क्रू, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में वन रूफ लाइट प्रोवाइड करानी चाहिए, वन रूफ लाइट एंड ड्राइवर केबिन, ठीक है। फिर उसके बाद में ड्राइवर क्रू केबिन ड्राइवर क्रू केबिन में प्रोवाइड 4 डोर्स 1 फॉर ड्राइवर 2nd 4 क्रू इन चार्ज एंड रेस्ट ऑफ डोर्स फॉर अदर क्रू मेंबर, वो बाकी के जितने भी गेट होते हैं वो अदर क्रू मेंबर्स के लिए होते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में है सीट, दोस्तों सीट, तो सीट में जो ड्राइवर सीट जो होती है ड्राइवर की जो सीट होती है वो एडजस्टेबल होनी चाहिए, मतलब कि ऊपर नीचे आगे पीछे वो कर सके उसके कंफर्ट के हिसाब से। उसके बाद में बिलो क्रू सीट लोकर्स आर प्रोवाइड, दोस्तों जो अगला पॉइंट हमारा आता है वो मिसेलियस पॉइंट है, मतलब कि सब एक साथ जितने भी जो पॉइंट बचे हैं या
अलग अलग पार्ट्स हैं वो सारे पार्ट्स, ठीक है। तो मिसेलियस में जो सबसे पहला आता है पंफर, ठीक है, उसके बाद में टू कैट लेडर, स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिए विथ 250 mm डायमीटर उसका होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों टू नंबर्स ऑफ 2.5 mm डायमीटर ऑफ पाइप रेलिंग विथ सफिशियंट मेरिकेट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक हेवी हेवी ड्यूटी टोइंग हुक होना चाहिए उसके बाद में क्विक रिमूवेबल टाइप वायर मैश गार्ड होना चाहिए। उसके बाद में जो सबसे लास्ट में है एक बोल्ड में फायर का साइनेज फिटेड होना चाहिए केबिन के, ठीक है दोस्तों। तो मेसेलस में यही पॉइंट्स रहते हैं कि एक बम्पर, दो कैट लेडर, दो 2.5 mm डायमीटर ऑफ पाइप रेलिंग और सफिशिएंट बैरिकेड्स होने चाहिए, हेवी ड्यूटी टोइंग हुक होना चाहिए, क्विक रिमूवेबल टाइप वायर मेश गार्ड होना चाहिए और एक फायर साइनेज होना चाहिए जो कि गाड़ी के आगे एकदम उसके सेंटर में बोल्ड लेटर्स में इल्यूमिनेटेड हो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है वो है एसेसरीज, दोस्तों एसेसरीज तो इसमें जो सबसे पहला आएगा वो है बेल, एक नंबर ऑफ बेल्स वन होना चाहिए और उसका जो डायामीटर होता है वो 250 mm डायामीटर वाली एक बेल ड्राइवर के कैबिन से पास में लगी हुई होनी चाहिए। उसके बाद में सेकंड जो आएगा वो है फॉग लैंप, फॉग लैंप दो होने चाहिए, ठीक है। माउंटेड इन फ्रंट ऑफ लाइंस, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है वो है रिवर्सिंग लाइट, रिवर्सिंग लाइट होनी चाहिए
उसके बाद में इवॉल्विंग रिकॉर्ड लाइट होनी चाहिए जो कि सायरन के साथ में जो बजती है वो लाइट पे जो घूमती है वो वन ब्लू ब्लू कलर वाली ठीक है। उसके बाद में विंड स्क्रीन वाइपर होना चाहिए ठीक है दो। उसके बाद में कुछ टूल्स होने चाहिए जो कि आप जिससे मेंटेनेंस हो पाए मेंटेनेंस वर्क के लिए। उसके बाद में जो अगला पॉइंट है सेवन वो है सर्च लाइट होनी चाहिए जो है स्पॉटलाइट होनी चाहिए। वो जो नाइन पॉइंट है 12 वोल्ट बैटरी ऑपरेटेड सायरन ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो एसेसरीज में है ये नौ पॉइंट्स एसेसरीज में ये नौ पॉइंट होने चाहिए। एक बेल एक फॉग लैम्प रिवर्सिंग लाइट रिवॉल्विंग बीम लाइट विंड स्क्रीन वाइपर टूल्स स्क्रीन लाइट और स्पॉट लाइट और 12 वोल्ट बैटरी ऑपरेटेड सायरन ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो आता है वो आते हैं इक्विपमेंट टू बी कैरिड ऑन द अप्लायंस। इक्विपमेंट टू बी कैरिड आउट ऑन अप्लायंस ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इक्विपमेंट टू बी कैरिड आउट ऑन अप्लायंसेस दोस्तों वैसे तो ये 95 होते हैं लेकिन इसमें मैंने 38 कुछ अलग से निकाल के रखे हैं जो कि एकदम वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना है और इनमें से कुछ तो आपको याद रखने ही रखना है अप्रोक्सली 10। क्योंकि क्या होता है कि बहुत बार आपका इंटरव्यू में या एग्जाम पूछ लेते हैं एमरजेंसी रेस्क्यू टेंडर में क्या क्या इक्विपमेंट्स रहते हैं। तो दोस्तों जो सबसे पहला जो इक्विपमेंट है वो है बी एस सेट जो कि 6 होने चाहिए पॉजिटिव प्रेशर वाले प्रोटेक्टिव सूट होने चाहिए 4 सेट एम्बू बैग्स जो कि रेस्पिरेशन में काम आते हैं वो होना चाहिए 1 सेट एमएफआर किट 2 सेट एमएफआर किट बोले तो ऐसे एक तरह की फर्स्ट एड किट होती है वो ठीक है। उसके बाद में ब्लैंकेट वुलन 6 होने चाहिए ऑक्सीजन सिलेंडर स्पेयर 5 लीटर में 1 होना चाहिए लेदर ग्लव्स 2 पेयर होनी चाहिए गूगल्स डार्क ग्लासेस वाले 4 होने चाहिए चेन विथ लिफ्टिंग 5T कंप्लीट विथ एंड रिंग्स एंड शैक्स। दोस्तों अगर आपने देखा हो कहीं जैसे कि अपना अगर एक एग्जांपल दूं लिफ्टिंग 5T का तो आपने वो देखा है कि जो ट्रैफिकिंग में जो पुलिस आती है अपनी जो गाड़ियाँ लिफ्ट करके जो ले जाती है उसमें जो हुक टाइप रहता है उसे हम लिफ्टिंग 50 कहते हैं ठीक है। उसके बाद में टारपोलिन 3.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर दोनों चाहिए टारपोलिन बोले तो अपनी बरसा दी ठीक है देसी लैंग्वेज में। उसके बाद में पुलिंग एंड लिफ्टिंग मशीन लिफ्टिंग 3T और पुलिंग 50 हुक 2 होनी चाहिए लिफ्टिंग मशीन और लिफ्टिंग 50 दोनों मशीन एक ही होती है लेकिन दोनों के जो काम है वो थोड़े सा अलग हो जाते हैं सिर्फ। उसके बाद में इंजीनियर्स टूल 1 सेट कारपेंटर्स टूल 1 सेट उसके बाद में सेट ऑफ की एंड सेक्रिंग प्लेट 4 पैसेंजर लिफ्ट उसके बाद में फायर हुक होना चाहिए
30 मीटर लॉन्ग 16 mm डायामीटर की एक बॉब रोप होनी चाहिए रेस्क्यू के लिए, 12 मीटर लॉन्ग 12 mm डायामीटर बॉब लैशिंग लाइन होनी चाहिए, 6 मीटर लॉन्ग 16 mm डायामीटर बॉब रोप होनी चाहिए, 30 मीटर लॉन्ग 16 mm डायामीटर विथ रोप 1 लेंथ की होनी चाहिए, और स्पेट एंड शॉवेल्स बोले तो फावड़ा टाइप के जो आते हैं वो दोनों दो दो होने चाहिए। उसके बाद है मोटेक्स हैंडल, तो मेटक्स हैंडल बोले तो वो अपना गेती खोदने के लिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आता है एक्स और फिलिंग, तो दो एक्स मतलब कुल्हाड़ी, उसके बाद में क्रोबार्स दो होनी चाहिए, क्रोबार्स जैसे कि जो उखाड़ने के लिए रहता है, जिसमें आगे जैसे खिल घुस जाए अपनी गेप रहती है वो उखाड़ने के लिए यूज होता है क्रोबार, ठीक है। उसके बाद में स्लेज हैमर 10 किलो वाला एक होना चाहिए, हैमर एक होना चाहिए नॉर्मल हैमर। उसके बाद में हाई सेफ्टी बूट्स दो पैर उसकी होनी चाहिए, उसके बाद में रबर ग्लव्स टेस्टेड टू 25,000 वॉट तक की टेस्टेड होने चाहिए, दो पेयर उसकी होनी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आता है डेब्रिस बास्केट, जैसे कि जो एक तो नॉर्मल बास्केट जिसमें छः छः दो बहुत सारे वो होनी चाहिए, 6 फायरमैन एक्स विथ कैरिंग पाउच दो होनी चाहिए, उसके बाद में शॉर्ट लेटर 2, प्लास्टिक फोल्डिंग स्ट्रेचर 2, हाइड्रोलिक जैक विथ हैंडल 1, स्मोक ब्लोअर और एग्जॉस्टर 1, जंपिंग कुशन साइज 1, हाइड्रोलिक डोर ओपनर 1, ग्लास ब्रेकर 1, वायरलेस सेट और वॉकी टॉकी 1 फॉर कम्युनिकेशन, सर्च कैमरा एंड सर्च लाइट, हाइड्रोलिक कंक्रीट और हाइड्रोलिक कंक्रीट कटर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि इम्पोर्टेंट्स है और इन्हें एकदम याद करने में भी आसानी है, और ये कुछ टेंडर्स में कॉमन भी होती है इनमें से कुछ कुछ, तो ये याद करने में सिंपल रहेगी।